स्पॉटिंग अच्छे टाइम पे हो गई इसकी, लेकिन एक तरफ से एक स्टॉक जो कि कोलैप्स हो रहा है इस वक्त, लेट्स स्प्रिंग बजाज फाइनेंस, इस पर टेक चेक जरूरी है। इसमें क्या हुआ? देखिए इसमें अब ये स्टॉक शैल जी डे लो पर, आशीष देखिए, चतुर्म आपको ये पता है आज एफआई सेल्स का आंकड़ा कौन से काउंटर से आने मैं वाला वही वही देख रहा हूँ, स्पॉन्सर मिल गया उनको लग रहा है यहाँ पे, है ना आशीष? किसी भी दिन कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं थी, और इनफैक्ट जो कल यहाँ पे मजबूती थी वो एक टिपिकल शॉर्ट कवरिंग ट्रेड था, और इन्हीं के सौजन्य से अगर आप देखें शाम को वो आंकड़ा आता है 3500 करोड़, 4000 करोड़ रुपए, 4500 करोड़ रुपए का सेल का एफआई इसका, 7135। आपकी राय इस स्टॉक पे क्या होगी? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो रैली थी वो शॉर्ट कवरिंग रैली थी, और अब क्योंकि शॉर्ट कवरिंग इसकी हो चुकी है लास्ट 2 दिनों के अंदर में, तो मेरे हिसाब से डिप जो बनेगी वो कम से कम 7070 7050 के रेंज में बनेगी। वापस 7050 जो रेंज है वो सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा, तो मेरे हिसाब से एक बहुत रेंज स्मॉल रेंज में स्टॉक काम कर रहा है। और अब क्योंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आने वाला है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट का कैंडिडेट भी नहीं बनता, बट एट द सेम टाइम क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ नजर भी नहीं आ रही, तो मैं नहीं समझता कि डिप में इसमें मैं कहूं कि 7050 पे कोई बाइंग होनी चाहिए। तो एक ओवरऑल मेरे हिसाब से न्यूट्रल ट्रेड है, इसको अवॉइड करना इस समय बेहतर होगा। चलिए तो